गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ की एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पे, जो कि है सुखना रिजर्व चंडीगढ़। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी। पहुंच गए हैं हम लोग पार्किंग में। हमने इधर ही लगाई है गाड़ी। ये सामने है बर्ड पार्क। बर्ड पार्क से जस्ट 50 मीटर भी नहीं है, वहाँ पे है। तो आज हम वहाँ जाएंगे। बर्ड पार्क की वीडियो हमने अभी रिसेंटली डाली है, अगर आपने देखी नहीं अभी तक तो वो भी देख लो। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, या तो इस जगह जाएंगे या यहाँ जाएंगे। बाकी जो ये वाला रूट है ये अभी के लिए बंद है कह रहे हैं। अच्छा, वैसे भी ये शायद यहाँ तक ना बंद है, क्योंकि वो कहते हैं ना डैम वाला जो पोर्शन है वो बंद कर रखा है। तो चलो आगे देखते हैं वीडियो में कहाँ तक हम जा पाते हैं, बने रहिए वीडियो पे। यहाँ पे ना एकदम कैसी फीलिंग आ रही है, गोवा में एक है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, वो भी कुछ ऐसा सही है। बाकी जो छतरूड है बंद है आगे। कितना देर तक आगे, कितना दूर तक? हमको 2 घंटा, 1 घंटा जाने में लगा, 1 घंटा आने में। अभी आगे बंद है सुखना लेक का वहाँ से। नहीं तो 1 घंटा कहाँ जाने में लगा तुम्हें? आगे पूरा एंड तक। एंड तक गए थे, वहाँ पे रास्ता टूट गया ना, ब्रिज जो सुखना लेक के वहाँ पे खुलता है। चलो फिर हम वहीं तक जा जाते हैं। तो यहाँ बच्चे मिले, वो कहते हैं कि आगे जाके रास्ता बंद है, पर चलो देखते हैं एक बार हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं। पर यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नेचर पसंद है, जंगल पसंद है, वाइल्ड लाइफ पसंद है। और ये जो आवाजें यहाँ पे आ रही हैं, अभी तो कौवा ही कैं कर रहा है, पर इस साइड चिड़िया भी चहचहा रही है। छोटे छोटे बच्चे आए, वो मुझे अंकल और इसको आंटी बोल रहे थे। ऑल दो हम लोग हो गए हैं अंकल आंटी वाले, पर यार आज तो शेव कर रखी है मैंने, जवान लग रहा हूँ मैं, जवान लग रहा हूँ। और पता है क्या, चलो अभी हमें आदत नहीं हुई ना अंकल आंटी सुनने की, अभी हमारा भी बेटा है यार, इतना है, 5 साल का बेटा है, तो ऑब्वियसली उसके फ्रेंड्स जो है वो हमें अंकल आंटी ही बोलेंगे, पर अभी हमें आदत नहीं हुई। यहाँ से ये दिख रही है लेक, ये देखो पूरा लेक का यहाँ तक पानी दिख रहा है। और ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ की बहुत सारी ये लताएं नीचे को आ रखी हैं, ये देखो ये वाली ना। तो जिस जिसको पता है कि ये लताएं क्यों आ रही हैं नीचे और इनका क्या पर्पज होता है, वो कमेंट करके बताना कि क्या होता है। यहाँ से ये दिख रही है पूरी लेक। तो अभी हम लोग हैं लेक के सामने, जो जंगल दिखता है वहां पे। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, बस एक ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई शॉप नहीं है, और पानी के लिए टैप अभी तक तो कोई मिला नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग आ रहे हो तो अपने खाने पीने का सामान खुद से अपने साथ लेके आएं। वैसे बीच बीच में ऐसे बेंचेस लगा रखे हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। बीच बीच में बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई। कुआं जब तक सूखता नहीं तब तक हम लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता लगेगी पानी की। और यहाँ पे ये है वॉच टावर। तो चलो एक बार वॉच टावर में भी जाके आते हैं, देखते हैं ऊपर से। तो अभी हम लोग जाके आते हैं एक बार वॉच टावर पे। तो ये देखो ये है वॉच टावर, लोहे की सीढ़ियाँ बना रखे हैं इसने। यहाँ पे ये बैठने के लिए बना रखा है, बेंचेस लगा रखे हैं। और यहाँ से जो व्यू है वो ऐसा है, वैसे यहाँ से कुछ खास दूर तक दिख तो नहीं रहा है क्योंकि बीच में पेड़ आ गया, पर है दिख रहा है थोड़ा बहुत अगर यहाँ से देखें हम। यहाँ से ये जो बीच में जगह बच रही है ना, यहाँ से वो जो गोल गोल बना हुआ है ना लेक में, नहीं गोल गोल नहीं है, वो जो पुलिस स्टेशन है बीच में ही लेक के, तो वो दिख रहा है यहाँ से। ये हैं सारी बर्ड्स जो यहाँ से देखी जा सकती हैं अलग अलग टाइम में, अलग अलग जो भी सीजन्स आते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बर्ड्स आती हैं। और यहाँ पे एक ये ट्रेल भी है, अब ये नहीं पता कि ये ट्रेल जाता कहाँ है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, छोटा सा पगडंडी बनी हुई है।
अभी तक हम लोग चले हैं 500 मीटर, मतलब कुछ आधा किलोमीटर। और ये देखो यहाँ पे ये मिट्टी की बांबियाँ बनी हुई हैं, ये है दीमक का घर, ये अभी नया ही है, गीला भी है। ये जगह ना बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल रॉ, मतलब यहाँ पे कोई छटाई कटाई नहीं होती है, सिर्फ ये जो ट्रेल बना रखा है इस ट्रेल को ही ये लोग मेंटेन करते होंगे। यहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रीज हैं, बहुत सारे किस्म के हैं, बैम्बू भी है, और ज़्यादातर ट्रीज के सामने ऐसे लिखा भी हुआ है कि वो कौन सा पेड़ है, जैसे कि ये बैम्बू है। यहाँ पे अभी तक हमारे को कोई जानवर तो दिखा नहीं, पर एक और दो कुत्ते हैं जो हमारी गली में ढेरों हैं। हाँ, होप कि इनसे हमारे को कोई खतरा नहीं होगा। बाकी यहाँ से व्यू देखो, ये पूरा का पूरा लेक का पानी यहाँ तक आ रखा है। एक कुत्ता हमारी तरफ को आ रहा था, इसलिए हमने एक डंडा उठा लिया। और अभी सामने से ना एक आंटी जा रहे थे, उनके हाथ में भी डंडा था, हम उन्हें देख रहे थे कि उन्होंने डंडा क्यों पकड़ा हुआ है। देखो वैसे हम इतना ज्यादा हमें पता नहीं है कुत्तों के बारे में, पर ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे आ रहा है तो हमारे को ना थोड़ा इससे डर लग रहा है, तो इसलिए हमने एक डंडा हाथ में ले लिया है। और अभी क्या हुआ था, हमारे को सामने से ना एक आंटी आते हुए दिखे थे, उनके हाथ में एक डंडा था, और हमें क्या लगा कि वो यहाँ के कोई लोकल है। इतना भी ना डर, कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो हमें ऐसे लगा था कि कोई लोकल है और लकड़ियां इकट्ठी करने आए हो यहाँ पे। मत छेड़, ऐसे मत कर, वो जाने दे उसको बस, तू जा भाई, हम तेरे को कुछ नहीं कह रहे हैं और तू भी हमें कुछ ना कहियो। हाँ वो चला गया, देखो मैंने उसको बोला आराम से चला जा, तो वो चला गया। हम लोगों को ऐसा लगा था कि आज संडे है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तो हम लोगों को था हम जल्दी चले जल्दी चले, बट हम लोग निकले, हम लोग 11 बजे के करीब यहाँ आए और फिर भी यहाँ पे देख लो हम दो ही हैं। सेब नहीं खाता, खाया के कीप सा डॉक्टर अवे, समझा ना, लाखों रुपए की नसीहत है ये तेरे लिए, सिर्फ फ्री में, तू अपना जिगरी है। तू भी अपना जिगरी है। अच्छा तो चंडीगढ़ का स्टेट ट्री आम होता है भाई, ये है उसका सबूत, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यूपी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी तरफ से बोला गया है। तो यहाँ पे तीन चार जो भी लगा रखे ना पेड़, वो सारे आम के पेड़ ही हैं। यहाँ पे शायद ये जो फॉरेस्ट गार्ड होंगे उनका ऑफिस या फिर उनके लिए रेजिडेंस होगा, ताकि वो अंदर अंदर रहें और यहाँ के जंगल की सिक्योरिटी कर सकें। ये देखो पूरे पेड़ पे दीमक लगी हुई है। एनिमल प्रियंका को यहाँ पे आने में सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है, वैसे हमको अभी तक दिखा भी नहीं है, वैसे यहाँ दिखना चाहिए था हमको, नील गाय मोर दिखा हमें अभी तक, मोर तो दो तीन दिखे, कुत्ते भी दिखे एक दो, पर नील गाय और हिरन। हम लोगों ने फिर से एक हॉल्ट लिया, बैठे नीचे, और अभी हम लोग कुछ 2-2.5 किलोमीटर ही चले हैं, हमने ये 1 लीटर की बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं हम लोग, मतलब हम दो लोगों ने पिया है पानी, इसने तो फिर भी कम पिया, मैंने ज़्यादा पिया, मैंने भी ज़्यादा पिया है, अभी अगर अच्छे से पिए तो ख़त्म भी हो जाएगी, पर वापसी में क्या करेंगे। हम लोग इसको लिमिटेड होली होली पी रहे हैं थोड़ा। ये हम लोग आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से ये रास्ता जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, यहाँ से ये रास्ता जाता है कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे और ये रास्ता जाता है रेगुलेटरी, सुगना रेगुलेटरी की तरफ को। तो हम लोगों ने इधर को जाना है क्योंकि जो रास्ता यहाँ से है वो रास्ता आगे से बंद है और उसके बाद ये मेन रोड पे खुल जाता है, तो हमारी गाड़ी तो पीछे खड़ी हुई है, फिर हमें पीछे बाहर बाहर सड़क सड़क से वॉक करके जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जाएंगे यहाँ को, यहाँ से ही फिर हम लोग वापस आएंगे। आ गए हैं हम लोग इस वॉक के एंड तक, मतलब एंड पॉइंट तक, अब हमने यहाँ से वापस जाना है दोबारा जितना अभी ट्रैक किया था उसी पे। ये देखो ये है यहाँ का एंड, ये बैरिकेटिंग लग रखी है यहाँ पे, बैरिकेटिंग या जो भी इसको बोलते हैं, इससे आगे जो ये रास्ता है यहाँ से सामने सड़क है, वो देखो सामने गाड़ी भी जाती हुई दिखी जा रही है, पानी की स्ट्रीम ये लेक के साथ मिल जाती है आगे जाके, इधर से ऐसे घूम के एंड देन यहाँ पे ये देखो ये जो सामने है ये सारे कमल के फूल लगे हुए हैं यहाँ पे,
जो हल्के हल्के वाइट वाइट दिख रहे हैं, वैसे कैमरे में इतने आ नहीं रहे होंगे। यहाँ पे ना ये एक वॉच टावर बना रखा है, जिसके लिए रास्ता पहले यहाँ से था, बट अभी वो रास्ता टूट गया पूरा। हम लोग काफ़ी टाइम पहले एक बार आए थे यहाँ पे। तो ये है वॉच टावर, और इस वॉच टावर से सामने का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। ये बर्ड वॉचिंग के लिए था मेरे ख्याल से वॉच टावर, यहाँ से पूरा दिखता है ये लेक का व्यू। तो जी घूम लिया है हम लोगों ने ये पूरा रिज़र्व, और टोटल हम लोगों को लगा 1.5 घंटा यहाँ से एंड तक पहुँचने में, अभी 1.5 घंटा वापस हमें जाने में लगेगा। तो यहाँ पे आने के लिए ऐसा है कि आपको चंडीगढ़ लेक के बीच में से जो रास्ता आता है, जो बर्ड पार्क से आता है, बर्ड पार्क तक आपको आना है। वहाँ पे आपने कार पार्क करनी है या जो भी आपका व्हीकल है वहाँ तक आपने आना है। वहाँ से राइट साइड पे गेट लगा हुआ है, यहाँ अंदर आना है, कोई एंट्री फीस नहीं है। टाइमिंग है मॉर्निंग 6 to 12 at noon तक एंट्री आप ले सकते हो, और शाम को 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप एंट्री ले सकते हैं। अंदर आपको खाना पानी अपना जो भी है अपने साथ लेके आना है। यहाँ पे कोई शॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पानी तो बहुत ही ज़रूरी लेके आना है यहाँ पे। तो हमारा ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाय।